I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. हम? जी हाँ, तभी तो मैं कह रहा था कि ये सिर्फ आप ही के बस में है। ठीक है, हमारे साथ महल चलो, हम खुद महाराज से बात करेंगे। जी नहीं, जिस महल में मेरा अपमान किया गया है, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया गया है, उस महल में मैं भूल कर भी कदम नहीं रखूंगा। अपमान? जी हाँ, दूसरे राजकुमारों की तरह मैंने भी अपनी तरफ से विवाह का पैगाम भेजा था, जिसे भरी सभा में ठुकरा दिया गया। अगर आप राजी हैं तो हमारा विवाह होगा आज, अभी, इसी वक्त, वरना आप अपना वायदा तोड़कर वापस जा सकती हैं। क्यों शेर? बस दिल, इतने जमानत मिलकर एक लड़की को खत्म नहीं कर सके। युवराज, राजकुमार को बचाने, मैं जाने का हूँ। मेरा, निकल जा यहाँ से। युवराज, मनुष्य सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने जन्म दिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। कुंडली के अनुसार आपकी मृत्यु आपके सबसे बड़े भांजे के हाथों होगी। ये विधाता का लेख। राजगुरु, आप हमसे पहले भी ये कह चुके हैं, लेकिन विधाता के इस लेख को हम मिटा कर रहेंगे। कंस ने भी यही सोचा था युवराज। कंस एक बेवकूफ किस्म का इंसान था, जिसे अपनी बहन देवकी को कैद में रखा और उसके बच्चों को मारता चला गया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी मौत लाने वाली बेल को जड़ से काट देंगे। जब बहन ही नहीं रहेगी तो भांजा कहां से होगा? एक बार मीनाक्षी हमारे हाथ से बच गई है, वो बार बार नहीं बचेगी। वो देश जहां हमारा भाई अपनी बहन से राज की तलवार कर उसकी नक्शा के पत्ते के जाकर और एक तुम हो पिता जी, मैं तो हो पिता जी। महाराज, ऐसा मत कीजिए, अपने पति की तरफ से मैं आपको शरण चाहती हूँ। बहू, तुम्हारे कारण ही हम इसे जीवन दान दे रहे, वरना हमारी बेटी की जिंदगी पर हमला करने के अपराध में हम इसे मौत की सजा भी दे सकते थे। रूपमती, चलिए आरोपी। अग्नि को साक्षी रखकर मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। शेर नहीं, शेरनी। जिस शेर का तुमने शिकार किया था, ये उसकी मौत का बदला लेने आई है। ये फिर आ सकती है, इसका जिंदा रहना खतरनाक है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं मीनाक्षी, तुम्हारी रक्षा करना अब हमारा धर्म है। सुनिए, thank you.
धीरे से हमारी बेटी का इलाज करते हैं, लेकिन उनकी दशा में कोई सुधार नहीं। ना जाने इन्हें कौन सा सदमा पहुंचा है। इन्हें जो करने को कहते हैं करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि होश में होते हुए भी बेहोश। महाराज, राजकुमारी जी की यह हालत देखते हुए स्वयंवर में आए हुए राजाओं को आप क्या जवाब देंगे? महाराज, हम राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह करने आए थे, किसी पत्थर की मूर्ति से नहीं। आप हमें उनकी दशा पहले ही लिखकर भेज देते तो हम यहां आने का कष्ट न करते। हीरतपुर नरेश, प्रताप सिंह, महाराज राजकुमारी जैसी भी है हमें स्वीकार है। आपके पति? नहीं, आप मेरे पति नहीं हो सकते। जिस वक्त हमारा विवाह हुआ था उस वक्त आप होश में नहीं थे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, क्या कर रही हो? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, मेरा किसी और से विवाह हो चुका है। क्या? अगर ऐसी बात थी तो आपके पिताजी ने यह बात हमसे क्यों छुपाई? ये बात वो भी नहीं जानते। हम दोनों ने चुपचाप गंधर्व विवाह किया था। कहाँ है आपके पति? मैं विधवा हूँ। वो मेरे पति थे, उनके सिवा किसी दूसरे का विचार मन में लाना भी मेरे लिए पाप है। और आपके अनुसार मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे तन मन पर आपका पूरा अधिकार है। अब आप ही फैसला कीजिए, मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता है मेरे लिए? टू गेट एक्सेस टू ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवीज सब्सक्राइब टू शिमारू मी नाउ।